मान्यवर 330 साल के बाद और 1528 से एक लंबा जो आंदोलन चला उसकी समाप्ति हुई है और देश की आध्यात्मिक चेतना की जागृति हुई है। मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये आंदोलन से अनिभिक होकर कोई इस देश के इतिहास को पढ़ ही नहीं सकता। आज से नहीं, 1528 से हर पीढ़ी ने इस आंदोलन को किसी न किसी स्वरूप से वाचा दी और ये मामला लंबे समय तक अटका रहा, भटका रहा, लटकता रहा। आज मोदी जी के समय में ही इसको परवान चढ़ना था, इस स्वप्न को सिद्ध होना था और आज देश स्वप्न सिद्ध होता हुआ दिखा है। मैं आज ये 1528 से 22 जनवरी 2024 तक की संपूर्ण कानूनी और युद्धों की और आंदोलनों की लड़ाई को, ये सभी योद्धाओं को बहुत विनम्रता से स्मरण करना चाहता हूं और उनकी लड़ाई जब आज समाप्त हुई है तब मुझे विश्वास है मान्यवर वो जहां भी होंगे बड़ी आनंद की अनुभूति करते होंगे, अपनी श्रद्धा को चरितार्थ करने की अनुभूति करते होंगे। और सर आपने कहा था कि वहां पर मंदिर को तोड़कर बनाया गया। सर मैं आपके सामने ये तमाम चीजें लेकर दूंगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैराग्राफ्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को नकारा। उन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब और मैं रख दूंगा, आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। अच्छा सर मैं अपनी तकरीर पर आ जाता हूं, मैं अपनी तकरीर पर आ जाता हूं सर, तो मैं अपनी बात कर देता हूं सर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है, जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है, हमको बता दीजिए। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आईन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। सर 49 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ, 2019 और 22 में भी इस ऐवान के जरिए हमको धोखा दिया जा रहा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि मुस्लिम अकलियत को हमेशा ये कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी और हम पर इल्जाम लगा दिया गया। सर क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें YouTube पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।